चलो जैसे मैं खेलता हूं वैसे खेलूंगा मैं ये शो आप लोगों के लिए, ओके? तो पहले तो आप पहचान जाओ कि अनुपमा कौन है, धर्म कौन है, पहचान लिया आप लोगों ने? हाँ, तो ये है अनुपमा और ये है धर्म। रेडी हैं आप लोग, तैयार हैं खेलने के लिए? तो चलिए खेलते हैं आपके साथ दस का दम। क्या कुछ कंफ्यूजन है? ये यूज करना है ना, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज? हाँ, वो सेट करने के टाइम पे वो दबाना पड़ेगा आपको इसको, अभी नहीं। आई टेल यू, वो आपको मैं 15 सेकंड दूंगा वो रोलू को के रोलर को घुमाने के लिए। वो 15 सेकंड में सेट हो, मैं आपको रूल समझा देता हूँ। तो रेडी मैडम, आर यू श्योर? रेडी ना, ओके। तो 10 का दम में कुल मिला के 3 राउंड हैं, जिनमें से पहला राउंड है नॉकआउट राउंड, जिसका नाम है पांच का पंच। देखो इस राउंड के जो पांच सवाल हैं उन पर आपको इंडिया मीटर पर आपको अपना अनुमान सेट करना है, फिर उसके बाद इंडिया मीटर पर रोलू द गोलू एक कैरेक्टर है हमारे पास, वो के बीपी बढ़ाता है और उतारता है, दोनों करता है। वो हमारे इंडिया का बैरोमीटर है, थर्मामीटर है, हर चीज है, तो वो हमारी इंडिया की सोच बताएगा, सर्वे का रिजल्ट बताएगा, और जिसका भी अनुमान इंडिया की सोच से ज्यादा करीब हो वो पॉइंट जीत जाएंगे और उसके साथ 20,000 रुपए। यहां पर है इमेजिनरी ख्याली 20,000 रुपए, क्योंकि अभी तक के जितने हमने एपिसोड्स किए बहुत सारे पैसे कंटेस्टेंट दवा के लेके गए हमारे पास से, तो नाउ वी आर सॉरी वी आर ब्रोक, वी कांट गिव यू एनी 20,000 और 1 करोड़ ऑल्सो इफ यू विन, आई एम सो सॉरी, ओके? तो हर सवाल का अनुमान लगाने के लिए आपको सिर्फ मिलेंगे 15 सेकंड। 15 सेकंड में वो अपने आप सेट हो जाएगा। हर सवाल पर आपको जीतने की कोशिश करनी है, क्योंकि इस राउंड की जो जमा पूंजी है वो सेकंड राउंड में 10 गुना बढ़ सकती है और तीसरे में 100 गुना। ऐसे में आप जीत सकते हैं 10 करोड़। हाँ, 10 करोड़। 10 करोड़ कैसे मैडम? आप तो हमको कंगाल करके चली जाएंगी। हाउ इज इट 10 करोड़? इसमें 5 सवाल है, लाख, अगर लाख रुपए बन जाते हैं 5 के, 20 20 20 20, 5 times is 1 lakh, ओके? उसके 10 गुना है 10 lakhs, उसके 10 गुना है 1 करोड़, ओके? सो नाउ दैट वी आर क्लियर, पता चला आप सोचेंगे मैं नहीं लेके जा रहा था, साहब लेके जा रहे थे, ऐसा ज्यादती मत करो हमारे साथ। तो आपको मिलेंगे पूरे 1 करोड़ रुपए इमेजिनरी, क्योंकि वो हमने हमारे कंटेस्टेंट्स के लिए छोड़े। तो इस राउंड में कैसा होता है कि एक बार एक मौका मिलता है परिवार प्रतिशत का, यानी कि स्ट्रेटेजिक टाइम आउट, जिसमें आप फैमिली का सपोर्ट ले सकते हैं, और उसका टाइम लिमिट है 45 सेकंड्स। यहां क्योंकि आप फैमिली नहीं लेके आए हो आप यहां पर, सो वी आर नॉट गोइंग टू गिव यू दैट फैमिली सपोर्ट, स्ट्रेटेजिक टाइम आउट, ओके? तो आइए खेलते हैं 5 का 5। रेडी? तो अनुपमा एंड धर्म के लिए पहला सवाल यह है कि कितने प्रतिशत भारतीय पतियों को
सिर्फ इसलिए सफाचट रहना पड़ता है क्योंकि उनकी दाढ़ी मूछ उनकी पत्नी को चुभती है। वाह। What percent of Indian husbands remain clean shaven just because their beards or mustache tickles their wife? अरे गुदगुदी करने में क्या बुराई है? थोड़े सा हाँ में थोड़ा सा टिकलिंग होता है तो टिकलिंग इज गुड बट सर आपकी मूछ आपकी शादी हो चुकी है yes. आपकी कभी मूछ पर कंप्लेन आया है आपको कि ये टिकल करती है या सोचते कि रोबदार चेहरा दिखता है? नेवर नेवर कभी ऐसा नहीं है कि आपकी मूछ टिकल कर रही है ना? चलो अच्छा है। सुल्तान में मेरी कैसी टिकल कर रही थी फिर? कोई टेक्निक है? चलो एक बात तो सही है कि मैन प्रेफर वेमेन विदाउट दाढ़ी मूछ। यस है ना? या आपका कुछ अलग नजरिया देखने का कुछ? नहीं नहीं ऐसे क्लीन शेविन या तो आप दोनों रेडियो सेट करने के लिए यस 20,000 रुपयों के लिए रेडी? Yes. On a mask, get set, go. नहीं चलो पर वो उसको घुमाना पड़े ये जल्दी 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 कितने पे 29 नहीं जाना कहाँ तक चाहती थी आप? 34 तक। चलो क्योंकि आप समझी नहीं तो वी विल कीप हर्स एट 34 वी विल कीप योर 34 तो अनुपमा है 34 पर एंड धर्मपाल है 87 पर। आए देखें रोलू द गोलू इंडिया की सोच क्या बताता है। फिर भी है 34 भी होता तब भी आप जीतती। लेकिन मुझे एक बात बताओ धर्म साहब कि आपको कभी शिकायत नहीं आई फिर भी आपने इतना हाई लगाया क्यों? या तो आप झूठ बोल रहे हो या तो कोई किसी और की शिकायत आप लेके आओ यहाँ पर। हाँ कोई और है जिसको मूछों से या दाढ़ी से तकलीफ होती है? नहीं पक्का? तो फिर जिसकी पत्नी को कोई तकलीफ नहीं है उन्होंने लगाया 87% पर, अब इनको कोई तकलीफ नहीं है इन्होंने लगाया 29% पर 34। और आजकल बेस फैशन भी रहा है कि जितने भी आप क्रिकेटर्स देख लो फुटबॉल प्लेयर्स देख लो स्टबल एवरीवन स्टबल चुभता है स्टबल चुभता है चार पांच एक का स्टबल वो चुभता है। आइए आगे बढ़े। yes. तो आप दोनों का अच्छा तो आप जीती हैं 20,000 रुपए और पहला पॉइंट और सर कुछ कीजिए आप अभी। आप दोनों का अगला सवाल ये है कि कितने प्रतिशत भारतीय भाइयों ने अपनी छोटी बहन की शादी कराने के बाद ही खुद शादी की? What percent of Indian brothers have gotten married only after getting their younger sister married?
देखो मैंने दो छोटी बहनों की शादी कराई, उसके बाद भी मैंने शादी नहीं की। नहीं की। जरूरी नहीं है सब शादी करें। अच्छा सर आपकी बहनें हैं? यस। हाँ आप अपनी बहनों के लिए रुके या पहले बहन की शादी करी? पहले बहन की शादी करी उसके बाद आपने? कुछ ऐसे भाई हैं जो कि बहनों का भी इंतजार नहीं करते हैं। और बड़ी बहनों का भी, छोटी तो छोड़ो सर, बड़ी बहनों का भी। व्हाट इज द उतावलापन ऑफ वांटिंग टू गेट मैरिड बिफोर बड़ी बहन? कुछ तो होता होगा ना, कुछ तो दिमाग में, मन में, कहीं ना कहीं बॉडी में कुछ तो होता होगा कि मुझे शादी करनी। व्हाई? ये जवानी से रिलेटेड कोई है कुछ? नहीं है तो फिर किससे रिलेटेड है? डेस्पिरेशन से? आप दोनों के पास 15 सेकेंड है। रेडी स्टेडी गेट सेट गो। सर आप घुमाओ, सर घुमाओ। इसको घुमाना पड़ता है। नो नो बट हाउ टू सी द मीटर वेयर इट इज गोइंग? हां यू डोंट सी मीटर, मीटर यू सी हियर। ओके देयर। या द इंडिया मीटर इज द वोट का जो हमने सवाल। हां माय मीटर, योर मीटर। ये यहाँ पर हाँ ये नहीं दिखता है नहीं, ये झूठ बोल रही है। दिख रहा है ना? हाँ हाँ लॉक होता है तब दिखता है। उधर दिखता है? इधर भी दिखता है, उधर भी दिखता है। नहीं अच्छा ठीक है, अब इस बार मैं आता हूँ यहाँ पे। ठीक है तो आपने लगाया है 25% पर और आपने लगाया 41% पर। ओके आए देखें रोलू द गोलू क्या कहते हैं। Why did you all underestimate what the brothers of India of Bharat? No, I wanted आपने to lock it at 25 60. पे लगाया है जी. जब आप खुद ने मेरे समझ में नहीं आ रहा यार ये सर सही में ना, या हमको कुछ और बोल रहे हो? नहीं नहीं बिल्कुल ठीक। और यहाँ पे जो घर में चल रहा है उसके हिसाब से आप लगा रहे हो अनुमान? आई वांटेड टू लॉक इट एट 60। यू वांट लॉक एट 60? ये तो आपने अच्छा एक्सक्यूज ढूंढ लिया। मेरा तो क्लोज। हाँ तो फिर भी आप क्लोज ही हो। लेकिन मुझे धर्म जी का समझ में आया नहीं कि घर में पत्नी डजंट माइंड मूछ दाढ़ी, खुद अपनी बहन की शादी करने के बाद इन्होंने शादी की, उसके बाद भी 25%। एनीवे आपको जैसे मैं कहूंगा 15 सेकेंड आप उसको घुमाना शुरू करें। ओके ओके ठीक है तो आप जीत चुकी हैं ख्याली 40,000 रुपए। हाँ और आपके 0 रुपए पक्के हमारी तरफ से। हाँ वो आपने रियल जीते, वो आपने रियल जीते। चलिए आपका तीसरा सवाल ये है। कितने प्रतिशत भारतीयों को मिठाई अपने घर वालों से छुपाकर खानी पड़ती है? ना मिठाई घर वाले छुपकर खाना, इट्स अ वेरी सैड थिंग। इस सवाल में दर्द है सर,
ये सवाल में मुझे ऐसा लगता है कि डायबिटीज भरा हुआ है, शुगर बीमारी, एंड उसके बावजूद घर वाले हु लव दैट पर्सन सो मच दे विल नॉट टेक केयर ऑफ द हेल्थ एंड दे विल ईट मिठाई छुपकर. What percent of Indians have to secretly eat sweets in fear of their family? Now, आपको तो पता होगा क्योंकि आप प्रेस के, तो आपको पता होगा कि डायबिटीज का रेशो कितना है इस कंट्री में, देश में, है ना? अलार्मिंग सिचुएशन, काफी अलार्मिंग सिचुएशन है ना. तो आप देखते हैं कि कितना पे लगाते, 3 या 4%, क्योंकि आप तो निजी ही जा रहे हैं. ओके, तो आप दोनों के पास 15% है, 15 सेकेंड है, और ऑन योर मार्क्स गेट सेट रेडी गो. क्या इधर भी आ रहा है? अच्छा ये सेकेंड चल रहा है, वो उधर जा रहा है. तो धर्मपाल साहब ने लगाया है 54% पर, एंड अनुपमा ने लगाया है 46% पर. आइए देखते हैं कि रोलू द गोलू क्या कहता है इस सिचुएशन के बारे में. It is very high, 63%. Sweet tooth wale Indians and chupke khana gharon mein from family, that means sugar, diabetes ka bahut bada problem hai. Aur sir, kamal ho sir. Aapse aisi शायद गंभीर सवाल पूछने चाहिए क्योंकि आपका खाता इसमें खुल गया सर. आप अब जाके ख्याली 20,000 रुपए जीत चुके हैं अब. अच्छा ये अगर सवाल का सही जवाब दे दी थी तो फिर ये खेलती नेक्स्ट राउंड हमारे साथ. अब क्योंकि आपने दिया है तो अब आएगा चौथा सवाल. चौथा सवाल ये है कि खतरनाक सवाल है. ऐसा लग रहा है सर, याद है ना, कितने प्रतिशत भारतीयों को स्कूली दिनों में कभी अपने टीचर से प्यार हुआ है? नाम क्या था बता दो सर. नाम क्या था बता दो ना. ऐसा कुछ नहीं. नहीं नहीं ऐसे. अरे लुक एट हिम, 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 लुक एट हिम. हां इतने सालों बाद अभी भी अगर इतना ब्लश कर रहे हैं तो प्यार सच्चा होगा. दुख होता है सर जब स्कूल के दिन आपको याद आते हैं. कॉलेज में, कॉलेज कॉलेज में. नाम क्या था अभी बता दो तो उनको, उनको ही पता चले कि एक ऐसा कॉलेज में एक गबरू नौजवान स्टूडेंट था who fell in love with me. सुमन. हाँ सुमन सर. सुमन तो मेरी थी सर. सुमन तो मेरी थी. सुमन मैम क्या सर ऐसा नहीं करते सर. यू फॉल इन लव. अब उनकी कहीं शादी हो गई होगी, बच्चे अच्छे हो गए होंगे सर. वो आप खामा खाम सर घर में झगड़े लगा. थोड़े समय के लिए था वो सर. थोड़े समय के लिए. थोड़े से थोड़े समय के लिए था वो बस. सो व्हाट परसेंट ऑफ इंडियंस हैव एट लीस्ट वंस फॉलन इन लव विद देयर टीचर ड्यूरिंग देयर स्कूल डेज? आप टीचर का मतलब फीमेल टीचर ही नहीं, मेल भी होता है. अच्छा यार आस्किंग मी. हां ओके. नहीं नहीं
चलो आप दोनों के पास 15 सेकंड है. ऑन मार्क्स गेट सेट रेडी गो. It's a very common thing. Yeah. When the teacher is very nice to you and stuff like that, and you know, especially, you know, she takes care of you. So, respect where they say you, you know, tend to fall in love. Especially boys. Yeah. Huh? Boys. Boys and girls also. Mm-hmm. Girls also. Just out of mark of respect, and that the teacher is a really nice, nice teacher, you tend to get emotionally involved with the teacher. So, आपने लगाया जिनको प्यार था उन्होंने लगाया 27%. जिनको प्यार नहीं था उन्होंने लगाया 64% पर. आए देखें कि रोलू दो गोलू क्या बोलते हैं. जिनको प्यार था जिन्होंने कम लगाया वो जीतते हैं, या जिनको प्यार नहीं था जिन्होंने ज्यादा लगाया है अनुमान वो जीतती हैं. सर प्यार करने वाले हार गए सर. आई एम सो सॉरी. सो 52% यानी के अनुपमा जीत गई. 60,000 जीत चुकी हैं अनुपमा. ये रहा आपका आखिरी सवाल. कितने प्रतिशत भारतीय मानते हैं कि के न्यूक्लियर फैमिली की तुलना में जॉइंट फैमिली में रहना ज्यादा अच्छा है. व्हाट परसेंट ऑफ इंडियंस बिलीव दैट लिविंग इन अ जॉइंट फैमिली इज बेटर देन लिविंग इन अ न्यूक्लियर फैमिली. आप जॉइंट फैमिली में रहती हैं? आप न्यूक्लियर फैमिली में रहती है. जॉइंट फैमिली से निकल के न्यूक्लियर फैमिली बनाया है जो कि वापस एक जॉइंट फैमिली हो जाएगा. Yeah. Always nuclear family. Always nuclear. Yeah. Yeah. With papa. With papa. Mama. Mama. You. Yeah. And brothers. अभी भी पापा मामा के साथ हो? नहीं. Husband and kids. अच्छा lovely, lovely. So you would want your husband, your kids also, to once they get married move out or you? Yeah, I want them to get married. जाओ घर से बाहर निकलो जल्दी से जल्दी. नहीं जल्दी से जल्दी नहीं. Better if they stay away. Better if they stay away. From parents. सर आप सर न्यूक्लियर फैमिली जॉइंट फैमिली से? न्यूक्लियर फैमिली. लेकिन जॉइंट फैमिली से निकले हो न्यूक्लियर फैमिली में या नहीं? जॉइंट से न्यूक्लियर में. जॉइंट से न्यूक्लियर. कितने पीढ़ी से जॉइंट 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 चलता रहा है और आपने जॉइंट को तोड़ दिया? तोड़ा नहीं बस आफ्टर मैरिज. आफ्टर मैरिज. तो पापा आपके पापा आफ्टर मैरिज या वो अपने पापा के साथ रहे? पापा की डेथ पहले हो चुकी है मैरिज से पहले. अच्छा. मदर सिस्टर्स ब्रदर्स. बट वो आपके पापा उनके पापा के साथ रहते थे या वो भी साथ में रहते थे? साथ में रहते थे. तो आपकी अभी मम्मी उनके साथ रहती हैं या नहीं? पापा तो नहीं. मेरे को जर्नलिस्ट ही बन जाना चाहिए. मदर हैं. मदर हैं आपके साथ रहती हैं या अभी सिस्टर के पास? कभी हमारे पास आती कभी उनके पास चली जाती. वेरी गुड वेरी गुड. तो हमारा भी एक जॉइंट फैमिली का चक्कर था. अभी भी हालांकि सब सेपरेट रहते हैं लेकिन जॉइंट फैमिली का ही माहौल है बिकॉज दे एट होम एवरीडे. सो आप दोनों के पास 15 सेकंड का वक्त है. ऑन मार्क्स गेट सेट रेडी गो. आपने लगाया 40% पर, आपने लगाया 26% पर,
आए देखते हैं रोलू द गोलू क्या बोलते हैं। Wow, 40%, 26%, 60% people, what percent of Indians believe that living in a joint family is better than living in a nuclear family? And it's also very convenient. Can you live in a joint family? तो आप तो काम वाम पे चले जाते हो, आपके बच्चे होते हैं तो फिर माँ को वो दाइमा बना देते हैं, ग्रैंड मदर को। सो द किड्स आर टेकिंग केयर ऑफ, जब आप घर पे आते हो वापस से, सो देन द फूड एवरीथिंग इज लेड आउट, तो बिकम्स अ वेरी वेरी ईजी वे ऑफ लिविंग फॉर देम। ऑल्सो ग्रैंड पेरेंट्स फील वेरी हैप्पी कि बच्चा साथ में है, एंड द ग्रैंड चाइल्ड से बड़ा अटैचमेंट हो जाता है उनको। या तो फिर न्यूक्लियर फैमिली रहते हो, फिर वो आना जाना मिलना जुलना वो बहुत कम होता है। द चाइल्ड शुड ऑलवेज बी वेरी क्लोज टू द ग्रैंड पेरेंट्स, सो दैट वो एक कल्चर जो जो कि खो रहा है वो ग्रैंड पेरेंट्स में अभी भी इंटैक्ट है। और क्योंकि दे आर मच ओल्डर तो दे आर अलॉट मोर सेंसिबल एंड दे आर अलॉट मोर पेशेंस विद किड्स दैट। सो बेसिकली सर हुआ ये है कि आपने कितने जीते हैं, 360,000, और आपने जीते हैं 40,000। सो अब वो शो के अंदर क्या होता है कि जैसे आपने जीते हैं 40,000, तो ये अगर जीती 1,00,000 रुपए तो 10 times 10 folds जाता। ये इन्होंने इनको रोका है वो 40,000 रुपए जीत कर। सो नाउ व्हाट विल हैपन द नेक्स्ट राउंड, मैक्सिमम यू कैन अर्न इफ यू गेट ऑल द पांच अनुमान्स राइट, जवाब्स राइट, यू विल मेक 6 lakhs। अगर ये 40 यहां पर आ जाते तो फिर आप जीत पाते 10 lakh एंड देन 1 crore। तो सर कहां बैठेंगे आप? अच्छा रुको सर, रुको सर, ऐसे थोड़ी खाली हाथ थोड़ी जाने देंगे आपको। एक वो हैम्पर जो हमारे पास है जो कि 10 साल से हमने रखा है पिछले एपिसोड, ये सर ये नहीं है सर, ये है, ये है सर। थैंक्स सलमान भाई, थैंक यू। कहाँ छोड़ के आऊँ सर मैं आपको? हाँ कहाँ बैठेंगे आप? वेरी गुड सर, I will come, go there. Come. ये देखो संभाल के। हाँ ये मुबारक हो, आप जीत चुकी हैं पहला राउंड नॉकआउट राउंड, और आप मेरे साथ खेलेंगी हमारा अगला राउंड जो कि हम उसे बुलाते हैं 10 गुना दम। जितने भी गुना कमिट करने हैं यहां पर मैक्सिमम 5 अलाउड है, वो आप यही कर सकते हो। ऑल गुनाज हियर, नो गुनाज आउटसाइड एनीवेयर, ओके। ये गुना जो करोगे वो फायदे में रहोगे। इसमें आपको 2 lifelines मिलती हैं। तो जो एक्चुअल एपिसोड का मैं आपको बता रहा हूं, तो गौर से सुनिएगा। तो सो एक्चुअल एपिसोड में इस राउंड में देखो 5 सवाल हम आपसे पूछेंगे। अब आपकी पूंजी है 60,000 रुपए, 60,000। सो पहले सही अनुमान पर आपको आपकी पूंजी 2 गुना बढ़ेगी, दैट मीन्स 120। दूसरे सेकंड अनुमान पर 240, 4 गुना, फिर 4 गुना तो 480,
360 तीन गुना दो गुना चार गुना छः गुना आठ गुना और दस गुना सो 120 240 360 480 एंड 6 लाख बट इंडिया मीटर पर जो अनुमान वाली खिड़की है अब एक खिड़की आएगी रेंज आएगा जो अनुमान वाली खिड़की है वो हर सवाल पर 10% छोटी होती जाएगी सो पहले सवाल पे है 50% की खिड़की सेकंड पर है 40 थर्ड पे है 30 चौथे पे है 20 एंड पांचवे पे है 10% की खिड़की ओके अच्छा पांच ओके नाउ जैसे आपका तीसरा अनुमान सही लग जाता है तो आपका सुपर सवाल खुल जाएगा सो इन दैट आपके इस राउंड की पूंजी को 10 गुना बढ़ा सकती हैं अच्छा इस राउंड में आप यू कैन टेक मदद ट्वाइस दो बार आप मदद ले सकती हो एक आप ऑडियंस की मदद ले सकते हो जिसका नाम है अंदाजा अपना अपना लिफ्ट इट फ्रॉम अंदाज अपना अपना एंड दूसरा है दमदार दायरा आई डोंट नो वेयर दैट इज कम फ्रॉम बट इट्स स्टिल दमदार दायरा कैसे लेंगे उसे दमदार दायरा मैं आपको समझाता हूं सो वो जो 100% में से है वो 30% का हिस्सा या हिस्से एक ऊपर का या ऊपर नीचे का वो बंद किया जाता है सो देन योर रियल रेंज इज 70% और जो भी जहाँ पे भी आपने लिया है जैसे आपकी 20% की खिड़की तो आप वो वहाँ पर खेलोगे एंड जो राइट जो जवाब है हाँ उसी दायरे में 70% के दायरे में होता है ओके सो बेसिकली जस्ट वन हेल्प लाइफलाइन हेल्प फॉर यू ओके सो एक इस राउंड का सिर्फ एक आइडिया देना है तो पांच के बजाय हम सिर्फ एक सवाल पूछेंगे ओके जो कि पांच के बराबर लाइफलाइन हाँ आप इसमें दोनों लाइफलाइन ले लो ओके पता 50% की खिड़की भी है पता 50% की खिड़की भी है और एक वो अंदाज अपना अपना जो कि इन सब के पास वोटिंग पैड्स है वोट करेंगे एंड इट विल गो अप यू कैन सी दैट और फिर यू कैन टेक आल्सो दमदार दायरा रेडी तो सवाल आपका बड़ा ही पेचीदा है वो सवाल ये है कि कितने प्रतिशत भारतीयों का मानना है कि अशिक्षा देश के लिए सबसे बड़ी चुनौती है What percent of Indians believe that lack of education is the biggest challenge our country is facing? Sir, I'll use दमदार दायरा. पहले आप रफ अनुमान लगा लीजिए. रफ लगा लिया. लगा लिया. तो you don't have to set it, but thinking क्या? घुमाया. घुमा लीजिए. Thinking क्या आपकी? अच्छा प्रतिशत पोर्ट्स पैड्स नहीं दिए आप लोगों को सो डजंट मैटर वहां से चिल्ला देना आप लोग सर वो दोनों घूम रहा है अच्छा हाँ वो क्योंकि दैट वो खिड़की है ना ओके हाँ तो 50 का रेंज है सो इफ यू ऑन नीचे का 5 देन ऊपर का 55 आता है तो दैट्स 50% का सो आपने एक रफ अनुमान लगाया है 5% से लेके 55% No, 55% Indians think that lack of हाँ तो देन 55% अगर इंडियन थिंकिंग है तो आप इसको ऊपर लेके जा सकते हो अगर 45 हो या 75 हो ये तो 50% की खिड़की के अंदर आपको वो खेलना है बीचों बीच आना है से फॉर एग्जाम्पल आपने आपका सर 55% करेक्ट अब आपने 55 लगाया है और 60 आंसर आता है या 70 आता है या 80 आता है या सो देन You take this up. So then, जैसे कि अगर आपने लगाया 30% से लेके 30, 40, 50, 60, 70, तो then you covering that whole range.
This is my accurate answer. Huh? Should I take it up? आपके हिसाब से accurate answer क्या है? It's 55 to 60. हाँ? अगर 60 आए तो आप हार जाओगी जबकि okay. पास आपके पास 50% की खिड़की है. So if you think that it will be 55 and above, yeah. or it could be 40 to 70, so then you can keep it from 35 to 75. Okay. ऐसा. So what percent of Indians believe that lack of education is the biggest challenge our country is facing? आपको क्या लगता है? Lack of education है? Lack of education का problem है हमारे देश में? सबसे major problem. Lack of education का problem तो यही है. गलत education का भी बहुत बड़ा problem है. कि एजुकेशन तो मिल जाता है पर गलत पढ़ाते लेकिन गलत एजुकेशन इज वर्स देन लैक ऑफ एजुकेशन. सो द एजुकेशन अगर मिले तो फिर सही एजुकेशन मिले. लाइक एक कंटेस्टेंट आई थी यहाँ पर जो पढ़ी लिखी नहीं है वन मदर बट हर एजुकेशन व्हाट शी इज लर्न फ्रॉम लाइफ इज फिनोमिनल. जो उसने बच्ची को पढ़ाया लिखाया और इतना काबिल बनाया उसने इट इज फिनोमिनल. तो बच्ची माँ से पूछती थी जो कि एजुकेटेड नहीं. इट्स इम्पोर्टेंट फॉर मदर टू बी एजुकेटेड सो दैट द या बट एजुकेशन आल्सो डजंट मीन दैट क्वालिफिकेशन का एजुकेशन. इट आल्सो मींस दैट नोइंग व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग. दैट्स मॉरल. सो आपने 15% से लगाया 65% पर. आए देखें सेट ने किया आपने. हाँ सेट के लिए वो नीचे वाला. यू श्योर क्या आपको 15 से 65 पे जाना है? 15 से 65 के बीच में वो 30 वाला फिर देखो क्योंकि अगर इस राउंड में ये है कि अगर गलत जवाब देते हो तो फिर इसमें शॉक पड़ता है. सवाल ये है मैडम कि व्हाट परसेंट ऑफ इंडियंस बिलीव दैट लैक ऑफ एजुकेशन इज द बिगेस्ट चैलेंज आवर कंट्री इज फेसिंग. हाउ मेनी पीपल एक्चुअली नो दैट? हाउ मेनी पीपल एक्चुअली बिलीव दैट? मोर देन 50% ऑफ कोर्स. आपको लगता है कि इतने लोगों को पता है 20% लेके 70% पर? Now don't look at my eyes that I am going to give you a hint, okay? Don't. आपने पहले कहाँ लगाया था? 50 कहाँ लगाया था पहले? To trust your heart. Yeah, I think it's more than 60. Yeah, so then trust your heart. जो आपने पहले लगाया था, उसके बाद see this is the biggest problem that everyone goes through. First intuition always correct, heart always correct, or phir then your mind takes over. Yeah. Set कर दीजिए आप. Set करना चाहेंगे आप? कर दीजिए set. तो अनुपमा ने set किया है 14 से लेके 64% पर. देखें मैडम हिंदुस्तान कि एजुकेशनल सिस्टम एंड लोगों को कितने अच्छी तरह तरीके से जानती हैं, परखती हैं, पहचानती हैं. रोलू तो गोलू, व्हाट यू हैव टू से मैन? अरे वो तो लिया नहीं आपने. दमदार दायरा और ये. That's what I was asking you ना. अरे but you should told me I didn't hear you. कि 30% वो जाना चाहिए. अच्छा 30% में लगाना चाह रही है? नहीं मैंने आपसे पूछा. चलो वो 70 से लेके क्या जीत गए आप? हाउ डिड यू मैनेज दैट? कहाँ लगाया था आपने?
14 to 64. उसके बाद कहाँ लगाया था आपने? उसके बाद फिर 70 70 70. 20 से कहाँ पे लगाया था कुछ? हाँ 20 से कुछ. और सही जवाब क्या, कहाँ से कहाँ तक था? 14% हाँ. नहीं सॉरी 18% हाँ. लेकिन मैंने लाइफलाइन नहीं यूज किया. थैंक यू. आपका लाइफलाइन मैं था. सो टेक्निकली आप जीते हैं इमेजिनरी 1,26,000 रुपए. अच्छा 6 लाख क्योंकि 5 के बजाय दैट मींस के 1, 2, 3, 4 वी एक्ज्यूमिंग दैट आपने हर सवाल का सही जवाब दिया है एंड देन ये आपका 5वां सवाल था. ओके अब लेट्स प्ले दिस, इज वेरी इंटरेस्टिंग. ओके तो नाउ क्योंकि आपने तीन ने, अब इसमें कुछ नहीं है, अब इसके अंदर मैं आपको वो सुपर सवाल जो आपने तीसरा सवाल का जो आपने सही जवाब दिया था. सही जवाब दिया था. उसमें आपका सुपर सवाल जो खुला. हाँ अब मैं आपको सुपर सवाल के बारे में आपको बताता हूं. तो आपकी जो 6 लाख रुपए की जो पूंजी है वो इस राउंड में 60 लाख बन सकती है, यानी के 10 गुना. ओके अगर आपने खेलने का फैसला किया और आपका अनुमान सही निकला तो ये 6,60,000 रुपए में बदल जाएंगे. और अगर आपका अनुमान गलत निकला तो आपकी पूंजी 10 गुना कम हो जाएगी, यानी के 60,000. ओके कम ना वो 60,000 लेके जा रही है ना वो 60 लाख लेके जा रही है. anyways, इसमें भी डर रही है खेलने के लिए. तो इसमें ऐसा है कि आप किसी भी वक्त आप रिटायर कर सकती हैं सवाल सुनने के बाद भी. रेडी सवाल. लेट्स प्ले दिस कम. लेट अस प्ले दिस कम. अच्छा इस सवाल में खिड़की अगेन इज 10%. ओके और कोई मदद नहीं मिलेगी. 10% का रेंज. सवाल यह है कि कितने प्रतिशत भारतीय जर्नलिस्ट सही रिपोर्टिंग करते हैं? नहीं नहीं 100% और यहां पर कितने परसेंट जर्नलिस्ट मौजूद जर्नलिस्ट ये मानते हैं? 100%. मुझसे पूछो. सो यू गॉट द आइडिया ऑफ द गेम बेसिकली. या चलो गुड. चलो भाई कम मैडम. That's right, women. Bum, ba, dum, ba, dum, coming back.